हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम ठीक हो ना? सब अच्छा रहना चाहिए, पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए। एग्जाम्स आ गए हैं, बहुत सिरदर्दी है, बहुत टेंशन है, बट टेंशन में नहीं रहना, रिलैक्स होके, कूल होके, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी है। टॉपिक का नाम है आज सीरीज LCR सर्किट। आपको पता है कि मैं AC सर्किट पढ़ा रहा हूँ। मैंने पिछले लगातार 3 वीडियो में एक भी पढ़ाया AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस, फिर पढ़ाया AC सर्किट इंडक्टेंस, फिर पढ़ाया AC सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस। इसलिए 3 वीडियो में आज मैं तीनों एलिमेंट को एक साथ लेके चलूंगा, राइट? जैसे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, और यहां लगा दिया एक, दिस इज योर L, दिस इज योर C, दिस इज योर R एंड दिस इज योर AC अल्टरनेटिंग करंट। अब मैं तीनों एलिमेंट को एक साथ लेके चल रहा हूं, राइट? अब मुझे बताओ, सबसे पहले आप एक बात सोच के जाओ, जब AC है इसमें जो भी AC फ्लो करेगा, जो भी, जिसकी हम, आपको पता है ना कि हम AC की कौन सी वैल्यू लेते हैं, RMS, तो मैंने कहा था ना पहले वीडियो में RMS वैल्यू ली जाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये जो IRMS जो जाएगा वो सब में सेम जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है। तो इसका वोल्टेज क्या होगा? VL। इसका वोल्टेज क्या होगा? VC। क्या होगा? VR। V4 वोल्टेज ऑफ कॉइल, V4 वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, V4 वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर। फिर आपको पता है सबका अपना अपना रेजिस्टेंस भी होता है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? XL। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? XC। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R। ऊपर क्या लिखा है मैंने? सबका वोल्टेज। नीचे क्या लिखा है मैंने? सबका रेजिस्टेंस, जिसको रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद करो, कॉइल के और रेजिस्टेंस के, कॉइल के और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, जरा सुनो। मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको ये बताया था, जो पिछले इतने सारी क्लासेस ली हैं, कि अगर हम ग्राफिकली समझें किसी चीज को, तो मैंने क्या कहा था कि मान लो इधर वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर है, तो इधर ही करंट होता है। बोलोगे हाँ सर, आपने पढ़ाया था। कैसे? मैंने पढ़ाया था ना बेटा कि वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होता है। किस सर्किट में? जिसमें रजिस्टेंस लगा होता है। तो रजिस्टर का वोल्टेज और करंट एक फेज में हो गए। फिर मैंने क्या पढ़ाया था कि जो क्वाइल का वोल्टेज होता है वो लीड करता है करंट से। तो यहां मैं दिखाऊंगा क्वाइल का वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ क्वाइल करंट से कितना लीड कर रहा है, देखो 90 डिग्री। फिर मैंने क्या पढ़ाया था कैपेसिटर के केस में? क्या पढ़ाया था कि वहां वोल्टेज लैग करता है, पिछड़ जाता है। यहाँ पे देखो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, पढ़ाया था ना मैंने ये सब, 90 डिग्री से यहाँ वोल्टेज लीड करता है करंट से, और कैपेसिटर में 90 डिग्री से वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है। और मैंने क्या पढ़ाया था जिसमें रजिस्टर में रजिस्टेंस लगा होता है, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होता है वहां वोल्टेज और करंट दोनों एक फेज में होते हैं। पिछली जितनी बातें बताई थी मैंने सबको एक ग्राफ में शो कर दिया। अब बोलोगे सर ठीक है, आपने शो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं बेटा, अब काम हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। अब काम हम ये करेंगे, अच्छे से सुनना, इस पूरे वोल्टेज को एक अलग डायग्राम में लेके चलते हैं। बोलोगे सर क्या डायग्राम लेके चल रहे हो? देखो इधर वोल्टेज ऑफ क्या है, रेजिस्टेंस। इधर नेट वोल्टेज आप लिख सकते हैं VL-VC। बोलोगे ये कैसे कर दिया सर आपने? अब बोल सकते हो ना सर ये आपने कैसे कर दिया, ये कैसे लिख दिया, ये नेट वोल्टेज इधर कैसे लिख दिया आपने VL-VC? बिल्कुल बोल सकते हो। ऊपर की तरफ क्या है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। नीचे की तरफ क्या है बेटा, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ऊपर की तरफ क्या है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। नीचे की तरफ क्या है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। तो नेट ऊपर की तरफ क्या शो कर सकते हैं, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर माइनस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। तो ये हो गया वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, ये हो गया वोल्टेज ऑफ नेट वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगर इस लाइन को नीचे डाल देते, नीचे की तरफ लिख देते, तो वहां हो जाता वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर माइनस वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। मतलब इन दोनों को एक डायरेक्शन में शो कर दिया। तो इस केस में अब जो आपका ये लाइन होगा, ये जो लाइन शो होगा, ये वाला लाइन, ये शो करेगा किसको, वी नेट को। नेट का मतलब तीनों का नेट वोल्टेज। तब इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, ग्राफिकली बता सकते हैं। तो
तो अब बताओ बेटा, इधर वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, इधर वोल्टेज ऑफ कॉइल, इधर वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, साफ शो हो रहा है, ठीक है। तो नेट ऊपर की तरफ क्या शो हो सकता है, VL माइनस VC। अब यहां पे पाइथागोरस अगर लगा दिया जाए तो वी नेट क्या आ जाएगा, देखो क्योंकि ये वाला लाइन है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये वाला लाइन है नेट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो ये पाइथागोरस से ये जो लाइन होगा वो वी नेट शो होगा, क्या हो जाएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया। तो याद रखना, जब एसी सर्किट होता है और एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर सबके सब होते हैं, वहां नेट वोल्टेज ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट वोल्टेज ऑफ इंडक्टर माइनस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर का होल स्क्वायर प्लस वोल्टेज ऑफ रजिस्टर का, अलग मेथड है इसका एसी सर्किट में। अगर सभी एलिमेंट का हमें वोल्टेज पता है तो नेट वोल्टेज हम इस फॉर्मूले से निकाल। फिर क्या कहा गया, ध्यान से देखना, अब बेटा करंट अगर इसमें दिखाना है, करंट किधर है तो आपको पता है करंट किधर है, करंट उधर ही होता है जिधर वोल्टेज ऑफ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर होता है, उसी के साथ होता है ना करंट सेम फेज में, ठीक है। और आपको पता है फेज डिफरेंस किसके बीच होता है, वोल्टेज एंड करंट, तो यहाँ पे किसके बीच होगा वोल्टेज, जब एक से ज्यादा एलिमेंट है तो किसके बीच वो एंगल होगा फेज, किसके बीच फेज दिखाओगे, किसके बीच फेज डिफरेंस होगा, करंट एंड नेट वोल्टेज। अब ये होगा जो आप ये देख रहे हो ना, ये होगा आपका क्या, पढ़े दिस, ये होगा आपका फेज। तो ये फेज कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस, ये फाई क्या है, व्हाट इज फाई, फाई क्या है बेटा, फाई यहाँ पे क्या होता है पता है ना आपको, सर्किट में फेज डिफरेंस होता है, इसके बीच फेज डिफरेंस होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, फेज डिफरेंस किसके बीच बेटा, करंट जो भी IRMS फ्लो कर रहा है एंड वोल्टेज। अब वोल्टेज में क्या लोगे, नेट वोल्टेज, जब एक से ज्यादा एलिमेंट है तो नेट वोल्टेज बोलेंगे, उनके बीच जो एंगल बनेगा उसी को यहाँ पे क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज हो गया। तो अब बताओ यहाँ से tan phi कितना हो गया, tan phi के थ्रू निकाल सकते हो, tan phi कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, VL माइनस VC, और बेस में क्या लोगे, ये वाला वोल्टेज लोगे VR। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, याद रखना अगर आपके पास LCR सर्किट है, सीरीज LCR सर्किट है, और आपको तीनों एलिमेंट का वोल्टेज पता है, कॉइल का वोल्टेज पता है, कैपेसिटर का वोल्टेज पता है, रजिस्टर का वोल्टेज पता है, तो आप फेज डिफरेंस जो निकालोगे इसके बीच नेट करंट और नेट वोल्टेज के बीच, वो ऐसे निकाल सकते, याद रखना। नेट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, जब तीनों एलिमेंट आ जाएंगे एसी सर्किट में, तीनों एलिमेंट, तो कैसे कैसे हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया, फिर एक ट्रायंगल बनाया उससे निकलाई। अब यहां पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बोलोगे सर क्या पूछोगे आप, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ये वी आर क्या है, बोलोगे सर वी आर जो है वो वोल्टेज अक्रॉस क्या है, रजिस्टर है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बेटा, आई टू आर। फिर मैं पूछूंगा वोल्ट वीसी क्या है, वीएल क्या है, बोलोगे सर ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कॉइल, तो इसमें अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट फ्लोइंग, वो तो सेम ही है, करंट तो सब में सेम है, इनटू कितना एक्सएल। फिर मैं अगर आपसे पूछूं भाई वीसी क्या है, तो बोलोगे सर वीसी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो IRMS इनटू क्या हो गया एक्सी। मैंने क्या किया आप समझे या नहीं समझे, मैंने ये किया तीनों का अपना अपना वोल्टेज लिख दिया, रजिस्टर का लिख दिया, रजिस्टर का वोल्टेज लिख दिया बेटा, उसके बाद किसका लिख दिया, वोल्टेज ऑफ कॉइल लिख दिया, उसके बाद वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, सबको कैसे ओम्स लॉ से, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर आई इंटू आर, वोल्टेज ऑफ कॉइल आई इंटू इसका कॉइल का आर, कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है एक्सएल, याद करो रिएक्टेंस, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर आई इंटू इसका रेजिस्टेंस यानी कि इसका रिएक्टेंस। अब जब ये हो गया तीनों का वोल्टेज आ गया, तो आपको एक बात बता देता हूं, मैं बहुत काम की बात बताता हूं, सुनिएगा एक नई बात, जो नेट वैल्यू होती है, किसकी नेट वैल्यू, किसकी, रेजिस्टेंस की, रिएक्टेंस की, रिएक्टेंस की, इसे हम नए नाम से बुलाते हैं, याद रखना इसे हम इंपीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपीडेंस इंडिकेटेड बाय जेड। जैसे तीनों का वोल्टेज जो होगा, नेट वोल्टेज को तो नेट ही वोल्टेज कहेंगे, लेकिन नेट रिएक्ट, नेट रेजिस्टेंस किसका, किसका, रजिस्टर का, नेट वैल्यू किसका, रजिस्टर के रजिस्टेंस का,
कॉइल के रिएक्टेंस का, कैपेसिटर के रिएक्टेंस का है, तो ये सभी रेजिस्टेंस जैसा ही बट रिएक्टेंस बोलते हैं। तो सभी एलिमेंट के जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसके नेट वैल्यू को हम एक नया नाम दिया है हमने, उसे हम इंपीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंपीडेंस, 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 याद रखना। उसे हम जेड से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से, जेड से, याद। तो बोलोगे सर ऐसा मैंने कहा, ऐसा। तो अब एक काम करेंगे, अब हम आ जाएंगे वापस इस फॉर्मूले में, ये वाले में। क्या था मेरे पास फॉर्मूला? जब आप उसको जेड मान लोगे तो इसका मतलब वी नेट को आप क्या लिख सकते हो? तो आप इसे जेड मान लोगे तो जिस तरह आपने रजिस्टर के वोल्टेज को आई आर में लिखा, कॉइल के वोल्टेज को भी उसके आई आर में लिखा, कैपेसिटर के वोल्टेज को भी आपने आई आर में लिखा, लिखा ना, लिखा या नहीं लिखा? बोलो हाँ सर लिखा। तो उसी तरह नेट वोल्टेज को हम लिखेंगे आई, आई तो वही रहेगा सीरीज में है, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे? जेड। मैंने क्या कहा आपको? यहाँ पे जेड लिख सकते, वी आर आई आर, वी एल आई एक्स एल, वी सी आई एक्स सी। तो जब वी नेट की बात आएगी तो आई आई तो सेम ही होगा सीरीज में है, बट नेट यहाँ पे नेट क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस बोलेंगे, आई जेड। नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। अब ये सब अलग अलग निकाल दिया तो अब आ जाओ वापस इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू पुट करो। वी नेट को क्या लिख सकते हो? बोलो, यहां रख रहा हूं मैं वी नेट की ये वाली वैल्यू, क्या लिख सकते हो बेटा? आई आर एम एस इंटू जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलोगे हाँ सर अंडर रूट। रियल को क्या लिखोगे बेटा? आई आर एम एस इंटू एक्स एल माइनस वी सी को क्या लिखोगे बेटा? आई आर एम एस इंटू एक्स सी होल स्क्वायर प्लस वी आर को क्या लिखोगे बेटा? आई आर एम एस इंटू आर क्या होल स्क्वायर। मैंने क्या किया पता चला? मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि जो भी वोल्टेज था सबको उसके आई आर में बदल दिया। वी नेट आई इंटू जेड, वी एल आई इंटू एक्स एल, वी सी आई इंटू एक्स सी, वी आर आई इंटू आर, ऊपर लिखा ना मैंने, सबको यूज कर लिया। अब थोड़ा सा मैथ से आप समझदार हो, समझ गए होंगे कि यहां से आई आर एम एस, आई आर एम एस, आई आर एम एस सब में कॉमन है करंट। तो स्क्वायर से जब बाहर निकलेगा, जब ये स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? आई आर एम एस कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा तो आई आर एम एस बचेगा। रूट में है ना, तो स्क्वायर जब कॉमन निकालोगे तो आई आर एम एस बचेगा, दोनों तरफ आई आर एम एस कट गया। तो जेड का एक फॉर्मूला आ गया, बस इसको याद रखना बेटा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस, ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना, ये फॉर्मूला। जिस तरह ये फॉर्मूला किसका है? नेट वोल्टेज निकालने का है, जब तीनों एलिमेंट हो एसी सर्किट में, कॉइल भी हो, कैपेसिटर भी हो, रजिस्टर भी हो, तो वहां पे तीनों का जो नेट वोल्टेज निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, डिफरेंस जो करंट और वोल्टेज के बीच निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। नेट रेजिस्टेंस, नेट रिएक्टेंस, रजिस्टर के रेजिस्टेंस का, कॉइल के रिएक्टेंस का, कैपेसिटर के रिएक्टेंस का जो नेट वैल्यू मिलेगा जिसे हम इंपीडेंस कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा जैसे वोल्टेज निकलता था, उसी पैटर्न पे निकलेगा। वहां वीएल वीसी वीआर है या एक्सएल एक्सीआर। नेट रेजिस्टेंस को इंपीडेंस कहते हैं। जब एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाए तो नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस किसका? रेजिस्टर के रेजिस्टेंस का, कॉइल के रिएक्टेंस का, कैपेसिटर के रिएक्टेंस का जो नेट नेट रेजिस्टेंस ही बोलो, उसे इंपीडेंस कहते हैं। ऐसे निकलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर, मैं बोलता हूं हाँ भाई बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर एक बात बताओ, जब आपने इतनी सारी बातें बता दी तो मुझे एक बात समझ में आ रही है। मैं बोलो क्या बात समझ में आ रही है भाई? मुझे एक बात ये समझ में आ रही है कि अगर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं जिसे हम इंपीडेंस कहते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं तो ये एक बात साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रही है। बोलोगे सर क्या दिखाई दे रही है? कि हम इस फॉर्मूले को देखते हुए हम एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो, इसको देख के भी ट्रायंगल बना सकते हो। तो अब आप जो ये ट्रायंगल बनाओगे तो इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया? देखो बेटा ये हो गया आपका क्या? आर, और ऊपर की तरफ क्या आ गया? एक्स एल माइनस एक्स सी, ये हो गया आपका जेड। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो और पाइथागोरस लगाओ तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, देखो बन गया ना। तो जिस तरह आपने वोल्टेज को लेकर ट्रायंगल बनाया था, सेम ट्रायंगल रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस को लेकर भी बना सकते हो। यहां ये जो आप देख रहे हो ये वाला एंगल, यहां पे ये फाई हो गया।
तो यहां पे अगर हम फेज डिफरेंस निकालना चाहें करंट और वोल्टेज के बीच, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, tan phi = कितना बोलना बेटा, xl - xc / कितना r। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर सीरीज LCR सर्किट है आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, तो आप फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज के थ्रू भी निकाल सकते हो तीनों एलिमेंट के, और रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के थ्रू भी निकाल सकते हो तीनों एलिमेंट। सो व्हेन यू विल हैव, तो जब तुम्हारे पास तीनों एलिमेंट होंगे, तीनों LCR सर्किट के एलिमेंट होंगे, तो आप नेट वोल्टेज ऐसे निकालना, आप फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नेट वोल्टेज ऐसे बताना, तीनों एलिमेंट का अपना अपना वोल्टेज ऐसे बताना, और अगर आपको नेट इंपीडेंस बताना है सभी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, तो ऐसे बताना। और आप जब ऐसे बता दोगे, तो अब आप ऐसे इसको लेकर ट्रायंगल आप ऐसे भी बना सकते हो, सेमी भी बना सकते हो, तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आप ऐसे भी बता सकते हो, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की मदद से भी बता सकते हो, और वोल्टेज पता है तो वोल्टेज की मदद से भी बता सकते हो। याद रखना इस बात, सीरीज LCR सर्किट चल रहा है जिसमें तीनों एलिमेंट आ जाए, तो कभी नहीं भूलना। अब जब मैं सीरीज LCR सर्किट बता रहा हूं, तो अब इसमें एक टॉपिक आता है, वो आता है एवरेज पावर। एवरेज पावर कि इस सर्किट से हमें एवरेज पावर क्या मिलेगा, आप ये बताइए सर, हमें इसमें एवरेज पावर क्या मिलेगा इस सीरीज LCR सर्किट से, जो आउटपुट पावर हर सर्किट में मिला था आपको, याद करो, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा था उसमें भी मिला था, इसमें सिर्फ कॉइल लगा था उसमें भी मिला था, इसमें सिर्फ कैपेसिटर मिला था उसमें भी मिला था। और याद करना पिछले वीडियो में, लगातार दो वीडियो में, कॉइल के थ्रू कोई एवरेज पावर नहीं मिला था, जीरो पावर मिला था, कैपेसिटर में भी कोई जीरो पावर मिला था, बट रजिस्टर के थ्रू हमें पावर मिला था, आपको याद होगा। तो अब हमें यहाँ पे एवरेज पावर बताना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो ईएमएफ है वो ईएमएफ का इक्वेशन लिखेंगे, वो तो हम साइन में लेते हैं अक्सर, और करंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा, करंट का इक्वेशन में आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पाई लेना पड़ेगा फेज डिफरेंस। बोलोगे क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट है सर, तो फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे मान लो सिर्फ रजिस्टर होता तो फेज डिफरेंस जीरो होता, मान लो सिर्फ कॉइल होता, मात्र कॉइल होता तो फेज डिफरेंस माइनस पाई बाई टू होता, करंट याद है 90 डिग्री लैग करता था। सिर्फ एक एलिमेंट कैपेसिटर होता तो वहां पे फेज डिफरेंस प्लस पाई बाई होता, तो याद करो वहां पे फेज डिफरेंस में पाई हम क्या लेते, प्लस पाई बाई टू, क्योंकि याद करो पिछली वीडियो याद करना बेटा, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है पाई बाई टू से, तो पाई बाई टू हो जाता। मेरे कहने का मतलब है जब सिंगल सिंगल एलिमेंट होता है तो फाई कहीं जीरो होता है, रजिस्टर होता तो, अगर सिर्फ रजिस्टर होता तो फाई जीरो होता, सिर्फ कॉइल होता तो फाई माइनस पाई बाई टू होता, सिर्फ कैपेसिटर होता तो फाई प्लस पाई बाई टू होता। लेकिन यहां जब एक से ज्यादा एलिमेंट है तब तो फाई की कोई और वैल्यू आएगी, ना जीरो आएगी ना पाई बाई टू आएगी, तो यहाँ पे करंट के इक्वेशन में हमें कुछ फाई लेना पड़ेगा अननोन वैल्यू के साथ, क्योंकि फाई जीरो कब होता है, जब सिर्फ रजिस्टर लगा होता है सर्किट में। पाई प्लस 90 कब होता है, जब सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा होता है तो करंट 90 डिग्री लीड कर जाता है। पाई माइनस पाई बाई टू कब होता है, जब सर्किट में कॉइल लगा होता है तो वहां करंट लैग कर जाता है। यहां पे तो भाई हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो यहां पे हमें एवरेज पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एज्यूम करना, याद रखना। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि इसका ना, एक पहले इसको समझा दूं, फेजर डायग्राम इसका सीरीज LCR सर्किट का, ऐसे पूछ सकता हूँ भाई मेरे को फेजर डायग्राम बना के दिखाओ, तो बोलोगे सर फेजर डायग्राम आप बना सकते हो आराम से, तो मान लो इसके क्रॉस आपने VR दिखाया, इसके क्रॉस आपने VL दिखाया, इसके क्रॉस आपने VC दिखाया, है ना, यही था ना। और बेटा फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप सर इसके क्रॉस VL जाता है, अपोजिट होता है VL VC, और इधर ही क्या होता है आपका करंट होता भी, मैंने बनाया था दो मिनट पहले, सिर्फ रेजिस्टेंस है तो फेज डिफरेंस जीरो, सिर्फ कॉइल है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना, याद करो बेटा सिर्फ कॉइल है तो यहाँ पे ये वाला करंट वोल्टेज में 90 डिग्री प्लस, सिर्फ कैपेसिटर है तो करंट 90 डिग्री प्लस, वही चीजों में बोल रहा था, यहाँ भी शो हो गया। इसको और अगर आप ऐसे बताना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो, ये VL है ये VC है, तो यहाँ पे कितना हो गया VL माइनस VC, इधर कितना हो गया VR, और यहां से कितना चला गया VNET, ये तो है आपका VNET, राइट एंगल ट्रायंगल में VL माइनस VC, VR, VNET, ठीक है ना।
इधर क्या हो गया आपका आई आर एम एस वी नेट और इसके बीच कितना एंगल शो होता है फाइव ऑब्वियसली सारा हमने वोल्टेज का डायग्राम बना कैसे भी बताया था मैंने इस चीज को राइट right? तो अब यहाँ पे मान लो आ गया कि भैया आप ना एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ एक ऐसा डायग्राम बनाओ एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिस डायग्राम में आपको सारे वोल्टेज शो हो सारा करंट शो हो वोल्टेज के साथ रिलेशन शो हो। तो ट्रायंगल हम बना चुके थे पहले भी ट्रायंगल दोबारा भी बना दिया वी नेट वगैरह सब दिखा चाहे आप ट्रायंगल ऐसे बनाओ बात तो एक ही है आप ट्रायंगल ऐसे भी बना सकते हो ठीक है ना ऐसे भी बनाया था मैंने अभी दो मिनट पहले याद है ये ऊपर कितना गया था नेट VL माइनस VC यहाँ कितना गया था VR के क्लॉस क्या था बेटा IRMS था बड़ा साइज वोल्टेज छोटा साइज करंट भले लिख दूं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ये वोल्टेज ये करंट और ये वी नेट और इनके बीच जो होता है वो कितना फेज डिफरेंस फाइव तो चाहे ट्रायंगल आप यू बना के दिखाओ चाहे आप ट्रायंगल यू दिखाओ बात तो एक ही चाहे आप वी नेट को डायगोनल से दिखा दो चाहे वी नेट को आप पाइथागोरस थ्योरम में दिखा दो हाइपोटेन्यूज से दिखाओ मर्जी आपकी ऐसे भी शो कर सकते हो ऐसे भी शो कर सकते हो बात एक है मार्क किसी में नहीं कटेगा ठीक है चाहे आप वी नेट को दो साइड के बीच से रिजल्टेंट डायगोनल से दिखा दो चाहे आप वी नेट को राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर हाइपोटेन्यूज से दिखा दो मीनिंग सेम है। तो अब जब आपने ये देख लिया तो अब हम आते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक एवरेज पावर। तो मैंने क्या कहा EMF का इक्वेशन साइन ओमेगा टी और ये आप याद है लगातार दो तीन वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एवरेज पावर कैसे निकालते हैं याद है ना बेटा वर्क अपॉन टाइम और वर्क निकालने के लिए फिर पावर को इंटीग्रेट करते हैं याद है सब मैंने पढ़ाया था जीरो से टी तक डिवाइडेड बाई टी ये पावर एवरेज और ये पावर इंस्टेंटेनियस है जो हर पल बदल रहा है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ऑल्टरनेटिंग करंट है। फिर मैंने क्या कहा था आप देखना अगर पिछली वीडियो को आपने लगातार देखा है तीनों वीडियो में ये आया था फॉर्मूला। फिर मैंने पावर को कैसे लिखा था मैंने वोल्टेज इनटू करंट जीरो से कहां तक टी तक डिवाइडेड बाय टी। अब यहां पे क्या करेंगे जब आप अपने तक कर लिया तो अब क्या करेंगे बेटा सोचो ई के जगह पे ई का इक्वेशन लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी आई के जगह पे आई का इक्वेशन लिखेंगे बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी हो गया जीरो से कहां तक टी तक डिवाइडेड बाय क्या बेटा टी। आप बताओ पावर एवरेज कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया बेटा बाय टी आ गया बेटा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी। फिर क्या करेंगे एवरेज पावर में बेटा सोचते जाओ समझते जाओ जल्दी से ई नॉट आई नॉट बाई टी साइन ओमेगा टी और ये जो आप देख रहे हो ये साइन ए प्लस बी पे खुल जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू डी टी हो गया साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी उसी पे पैटर्न पे खुल गया ये। फिर बोलोगे सर आगे क्या करें ई नॉट आई नॉट बाई टी तो कॉमन आ ही चुका है अब एक काम करो इसको अलग अलग ब्रैकेट को खोल दो तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव फिक्स है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस देखते जाओ साइन फाइव यहां से बाहर ले लेंगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी लिमिट रखना है लिमिट नहीं भूलना है बेटा जीरो से टी तक जीरो से टी तक जीरो से टी तक जीरो से टी तक तो बता सकता है क्या हो गया हुआ ये साइन ए प्लस बी पे खुल गया पहले तो उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन 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 स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव बाहर आ जाएगा फाइव तो फेज है फिक्स होता है साइन ओमेगा टी इससे मल्टीप्लाई होगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव बाहर आ गया जीरो से टी तक। अब यहां पर थोड़ा सा ब्रेन और लगा देते हैं
पावर एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई टी कॉस फाई लिखते जाओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से टी तक लिमिट प्लस साइन फाइव बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मैंने क्या किया यहां टू से डिवाइड कर दिया तो टू से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो क्या बन जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है साइन टू थीटा वीडियोस में भी आया था ये सब, तो साइन इसको क्या बना देंगे हम टू ओमेगा टी डी टी जीरो से कहां तक टी तक, यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा आपको। एवरेज पावर कैसे निकलता है फॉर्मूला पता है, ईएमएफ का इक्वेशन करंट का इक्वेशन उसके बाद थोड़ा सा ट्रिगो। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, जब आपने इतना तक देख लिया है एक मैं बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, आप इस बात को कभी नहीं भूलना। इस ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, अब अगर आप इंटीग्रेशन करने लग जाओगे बार बार तो टाइम लगेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था आपको, आरएमएस में भी आया था ये, जब मैं रूट मीन स्क्वायर पढ़ा रहा था तो वहां भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को वही 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इतना टाइम कभी कभी नहीं होता है पेपर में, इतना टाइम नहीं होता कि इंटीग्रेशन करें, तो आपको मैं डायरेक्ट याद करा देता हूं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर करते हो जीरो से टी लिमिट के साथ तो इसका रिजल्ट आता है टी बाई टू। अगर आप मैथमेटिकल वे में नहीं भी जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख देना, साथ में टीचर मार्क्स दे देता है, समझ जाता है उसे पता है इंटीग्रेशन। और साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कभी भी आए इस चैप्टर में करके दिखा दो तो अच्छी बात है, नहीं टाइम है आपके पास तो इसको जीरो लिख सकते हो, मैंने करके दिखाया था। आप जरा एसी सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस और पिछली लगातार दो वीडियो देखना, उसके दोनों में साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पूरा मैंने सॉल्व किया, जीरो आते दिखाया है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जब मैंने पढ़ाया था सेकंड वीडियो में या थर्ड वीडियो में रूट मीन स्क्वायर वहां पे आया था, तो बार बार आता है तो उसको कभी कभी टाइम नहीं होता तो हम इसको ऐसे भी समझ लिख सकते हैं। तो अब क्या होने जा रहा है आपको समझ में आ गया, अब ये होने जा रहा है बेटा कि अब आप देखो क्या होने जा रहा है। एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई टी देखते जाओ कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पूरा इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा टी बाई टू बस, और प्लस साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी लिमिट में जीरो होता है तो ये पूरा जीरो होगा तो सबका सब जीरो हो गया, खत्म हो गया जीरो। अब क्या बचा बेटा टी से टी कैंसिल, हाँ कैंसिल, तो अब जो बचा आपके पास फॉर्मूला एवरेज पावर का वो बच गया ई नॉट आई नॉट कॉस पाई बाई टू। यस, ये ही फॉर्मूला है आपके एवरेज पावर का, ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ आई नॉट मैक्सिमम करंट ऑफ एसी एंड कॉस फाई, फाई वही फेज डिफरेंस जो कि फिक्स नहीं होता यहां बाय टू। दो इंटीग्रेशन याद रखना, इसका और इसका, नहीं भी खोलोगे डायरेक्ट लिख सकते हो पूरे नंबर मिलेंगे आप। किसी ने कहा कि सर क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने कहा कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट बाई रूट टू लिख सकते हो, आई नॉट बाई रूट टू लिख सकते हो, इंटू कॉस फाई लिख सकते हो। ई नॉट बाई रूट टू क्या होता है याद करना, ई आर एम एस। तो अब किसी ने कहा इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, आई नॉट बाई रूट टू पीक बाई रूट टू क्या होता है बेटा आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यस, ये आ गया एवरेज पावर, सेम है बस वो मैक्सिमम वैल्यू में है और ये किस में है, ये आरएमएस में। फिर किसी ने कहा, मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हो, क्या उसने कहा, क्या सर, मैंने कहा हाँ बोलो, क्या सर हम लिख सकते हैं ई आरएमएस वोल्टेज को लिख सकते हैं सर, बोलो क्या इक्वल टू आई इंटू आर आई इंटू जेड, जेड क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वोल्टेज आई रेजिस्टेंस, बोला हाँ सर लिख सकते हो। तो क्या ई को हटा के ये लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ लिख सकते हो। तो जैसे आप ई को हटा के ये लिखोगे तो पावर एवरेज, देखो ई को हटा के क्या लिख रहे हो आई आर एम एस इंटू जेड, इसके जगह पे ये रख दोगे तो क्या हो जाएगा दो आई मिलके आई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू जेड इंटू कॉस फाई। मतलब ये ई आर एम एस आई आर एम एस में है और ये सिर्फ आई आर एम एस में। फिर किसी ने कहा ई आर एम एस को आई आर एम एस इंटू जेड लिख सकते हो, तो क्या आई आर एम एस को लिख सकते हो यहां से ई आर एम एस अपॉन जेड लिख सकते हो। अब क्या करो आई आर एम एस को हटा के ई आर एम एस अपॉन जेड लिख दो,
साइनसॉइड ई की आर एम एस है तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन जाएगा, ई स्क्वायर तो कितना कॉस फाइव। तो जितने भी फॉर्मूले आप देख रहे हो सब एवरेज पावर का है, ये पीक वैल्यू के टर्म में है, ये ईआरएमएस आईआरएमएस में है, ये सिर्फ आईआरएमएस में है, ये सिर्फ ईआरएमएस में है, सब एक ही चीज। बस यहां से ईआरएमएस को एक बार ऐसे बना दिया, फिर यहां से आईआरएमएस को ऐसे बना देंगे तो ये तो सब एक ही, अलग कुछ नहीं है। फिर किसी ने कहा सर इस फॉर्मूले में एक मैथमेटिकल टर्म आ रहा है वोल्टेज और करंट के अलावा कॉस फाइव, तो इस फॉर्मूले में याद रखना बेटा, इस फॉर्मूले में जो कॉस फाइव होता है याद रखना, इसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस फॉर्मूले में जो कॉस फाइव आ रहा है इसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो मैथमेटिकल टर्म आता है इस फॉर्मूले में उसे नया नाम दिया गया पावर फैक्टर। अब आपको याद है दो मिनट पहले की बात थी, बोलोगे क्या बात थी दो मिनट पहले, मैं वापस आ जाऊं, देखो मैं वापस आता हूं, मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, आप भूले तो नहीं हो, बोलोगे सर मैं नहीं भूला हूं, ये वाला ट्रायंगल याद करो, बनाया था ये ट्रायंगल, इसमें क्या था इंपेडेंस था, रेजिस्टेंस था, रिएक्टेंस था। इस ट्रायंगल में हम वापस आ जाते हैं, देखो हम वापस आ गए इस ट्रायंगल में, हम अभी वापस आते हैं इस ट्रायंगल में, हम आ गए वापस, इस ट्रायंगल को दोबारा बना देते हैं, बना दो बेटा। इस ट्रायंगल में यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी था, रिएक्टेंस का डिफरेंस था, और यहाँ जेड था, और ये आपका फाई था फेज डिफरेंस। तो यहां से अगर कॉस फाई लिखना चाहो जो कि पावर फैक्टर बना है उसका भी फॉर्मूला हो गया कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्या हो गया बेटा आर अपॉन जेड, इसको यहां कहते हैं पावर फैक्टर इस फॉर्मूले। अब आप सोचो ना, अगर मान लो सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो फाई जीरो हो जाता, फेज डिफरेंस जीरो होता, वही ईआरएमएस इनटू आईआरएमएस। क्वाइल होता या कैपेसिटर होता तो वहां एक, अगर सिर्फ क्वाइल होता या सिर्फ कैपेसिटर होता तो वहां फेज डिफरेंस 90 डिग्री, कॉस 90 क्या जीरो, आपको पढ़ा नहीं था, सिर्फ क्वाइल हो या सिर्फ कैपेसिटर हो तो पावर जीरो हो जाता। तो आप देखो, बस एंड कर रहा हूं मैं, एक मिनट की क्लास और है। ये सारे के सारे जो हमने आपको फॉर्मूले बताए ये सीरीज एलसीआर सर्किट का था, इसमें तीनों एलिमेंट हुआ करते। तो फाइनली बस एंड करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक रिव्यू दे के चला जाऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं सीरीज में होते हैं तो सब में जो करंट जाता है वो सेम जाता है, सबका अपना अपना वोल्टेज होगा, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर I इंटू आर, वोल्टेज ऑफ कॉयल I इंटू उसका रिएक्टेंस, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर I इंटू उसका अपना जो भी रिएक्टेंस होता है। जब एक से ज्यादा वोल्टेज आए तो नेट वोल्टेज कैसे निकालते हैं ये भी मैंने फॉर्मूला दिया आपको, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर। जब एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो नेट रेजिस्टेंस, जैसे इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का नेट वैल्यू जैसे इंपीडेंस कहते हैं, इसका फॉर्मूला भी मैंने बना के दिया बेटा आपको, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर फेज डिफरेंस निकालने का, करंट और वोल्टेज के बीच मैंने फॉर्मूला टैन के थ्रू बनाया, पाई निकालना है टैन के थ्रू निकाल सकते हैं, या तो VL माइनस VC बाय VR करो, तीनों के वोल्टेज के थ्रू निकाल दो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, या फिर रिएक्टेंस के थ्रू निकाल दो XL माइनस XC बाय R। फिर मैंने क्या कहा, अगर आपको एवरेज पावर निकालना है पूरे सर्किट से क्या आउटपुट पावर मिला तो कई सारे फॉर्म बताए मैंने, ERMS into IRMS इंटू कॉस फाइव, यहाँ कॉस फाइव पावर फैक्टर है। फिर मैंने क्या बताया, अगर आप ई आर एम एस है और आई आर एम एस को ई आर एम एस बाई क्या जेड लिखोगे, क्योंकि एक से ज्यादा है तो जेड चलता है ना, एक से ज्यादा तो जेड लेते हैं, तो ये फॉर्मूला सिर्फ आर एम एस में लिखना चाहते हो तो ई आर एम एस बाई जेड इंटू कॉस फाइव, इसी फॉर्मूले को सिर्फ करंट में लिखना चाहते हो तो आई स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाइव। फिर मैंने कहा था इस फॉर्मूले में एक मैथमेटिकल टर्म जो कॉस फाई आया है, कॉस फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं बेटा, है कि नहीं, पढ़ाया ना मैंने ये सब। पावर फैक्टर का अपना फॉर्मूला बनाया ट्रायंगल के थ्रू, जो हमने ट्रायंगल बनाया था आर बाई जेड रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। तो ये जितने भी आपने फॉर्मूले देखे हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखना उस एसी सर्किट के हैं जिसमें तीनों एलिमेंट होता है
और वो तीनों के तीनों सीरीज में होते हैं। बेटे आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम एक वीडियो पे एक टॉपिक बने, एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे। छोटा टॉपिक होगा छोटी वीडियो बनेगी, बड़ा टॉपिक होगा बड़ी वीडियोस बनेंगे। टेंशन नहीं लेना, लेकिन हाँ सीरीज LCR सर्किट फिनिश कर। अब कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस में बाद में बनाऊंगा, आज आप थ्योरी की वीडियोस अच्छे से देखना, समझना, लाइक करना, नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो और आगे भी शेयर करो। वेरी सून हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।